हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। पिले माने आज आम षष्ठ श्रेणी भूगोल एक विषय पढ़ा। विषय पढ़ा पूर्व तुम मानी केतक प्रश्न रुमें कह चेष्टा कर। पाने प्रथम जदि मुझे पचारे तुम्हें के ग्रह बास कर निश्चित भाव तुम्हें कह पृथ्वी बास कर बुझे ना नहीं सेपरि तो मुझे परवर्ती प्रश्न पचारे तुम्हें स्थिर अवस्था अच्छा घूरच ताल तुम्हें निश्चिंत कह आम स्थिर अवस्था अच्छु किंतु पाने जानते पृथ्वी घूर्णन सहित आम प्रति समय घूरुंट किंतु जेहेतु आम पृथ्वी ठारू पृथ्वी तुलन एक छोट स्थान रोचे तेणु आमको जना जाए आम कौन कर स्थिर अवस्था रही अर्थात पृथ्वी सहित आम गतिशील जेहेतु आम पृथ्वी उपर बास कर तेना पृथ्वी सहित आम गतिशील पाने आज आम जो विषय पढ़ाक जाऊँच तार नाम है पृथ्वीर गति। आज आम पढ़ा पृथ्वीर गति विषय पढ़ा। अच्छा पाने छोट बलू पढ़ी आ चतुर्थ पंचम पढ़ी पृथ्वीर विभिन्न गति दुईट गति विषय तेणु पृथ्वी हूँ सब गतिशील यह हूँ दुई प्रकार गति अच्छी। प्रथम यह कौन कैर तर अक्ष चतुर्वर्ष बुले पाने अक्ष पुणी कौन तेल अक्ष कहले आम बुझे जल्द तुमको मुझे ठिया करदेवी एवं कह भी निज चारिपटे निजे बुलवापी तेणु पृथ्वीर तो सेमती अक्ष ना कि गोटे काल्पनिक कह सी तार अक्ष चारिपट जमी आम कह गोटे सैकल चकटे बुलू तार गोटे अक्ष दंड अच्छी सी ता चारिपटे बुलू से पृथ्वी निज चारिपटे निज अक्ष चारिपटे बुलू पृथ्वीर ए प्रकार गति को आवर्तन गति कहुए ताले दैनिक गति को दैनिक गति कहीं कहुए ताले पृथ्वी निजे चारिपटे निजे बुलाई जेहेतु ताको चौबीस घंटा बा एक दिन लगी थाए तेणु पृथ्वीर यही आवर्तन गति को दैनिक गति बोली कहा जाए। यही गति फल कौन हो पृथ्वीर दिन गति दिन राति होता है। द्वितीयतः पृथ्वी निज अक्षदंड चतुर्वर्ष आवर्तन करने संगे संगे एक निर्दिष्ट उपवृत्ताकार पथर अर्थात पाने पृथ्वी निज चारिपटे बुलवा सहित कौन कर सूर्य चारिपटे बुलू निज चारिपटे बुलवा को आवर्तन गति कहुए सूर्य चारिपटे निज चारिपटे बुलवा सहित सूर्य चारिपटे घूरिया को परिक्रमण गति क्या वार्षिक गति कहुए। यही गति फल पृथ्वी एक वर्ष संगठित होता है तेल यही गति फल पृथ्वी एक वर्ष बा गोटे वर्ष बोली आम कही था तीन सौ पंसठ दिन कही था तीन सौ पंसठ दिन एवं छः घंटा पाने लगी थाए तीन सौ पंसठ दिन छः घंटा कहीं जो समय लगी था जानते चार वर्ष छा मिसी चौबीस घंटे परिणत हुए एक दिन कहा जाए बुझेगा नहीं एक दिन बाद चार वर्ष थर अधिक वर्ष आसे से ही वर्षटी तीन सौ छसठ दिन हुए तेल यह जो ऋतु परिवर्तन हुए तेल पृथ्वी निज गति जो आवर्तन गति जो दिन राति होता समय पृथ्वी निज गति सहित परिक्रमण गति जो कौन हो ऋतु परिवर्तन होने फलाफल कौन से ही कथी लिखाई पृथ्वी निज अक्ष चारिपटे आवर्तन करथाय यह एक पूर्ण आवर्तन को प्राय चौबीस घंटा समय लगी थाए आवर्तन करुवा समय यह मेरु दुईट स्थिर थाए तेणु मेरुठे पृथ्वीर आवर्तन बेग शून्य अटे अर्थात मेरुरे बा मेरु स्थान जदि मुझे गोटे पृथ्वी चित्र आंके आम जानते उपर मे ये उत्तर मेरु एवं ये दक्षिण मेरु अर्थात एटी कौन परिवर्तन बा जो जो घूर्णन भी हुए एटी कौन तार घूर्णन जेहेतु ये गोटे छोट स्थान उत्तर मेरु दक्षिण मेरु कथा कहुई तेणु यार कौन हुए निज चारिपटे जो ये घूर्णन होता है एटि यार बेग शून्य था अर्थात सी डिस्टेंस दूरता बेस अतिक्रम कैर ना से सांगे सांगे गोटे नटु को आम घूरूं नटुर आम उपर मुंड को जदि लक्ष्य करवा लक्ष्य कर जना जाए सी कौन जमी लगे से जो तार केन्द्र स्तर जो उपर मेरुटी स्थिर अवस्था रही थी जना जाए अर्थात सी से कौन कै सी निजे चारिपटे निजे बुले अर्थात सी कौन कै तार बेग सरी एटी तार कौन दे डिस्टेंस बा दूरता से कम अतिक्रम क्या शून्य बोली कहुए आवर्तन कर समय मेरु दुटी स्थिर थाए तेणु मेरुठे पृथ्वीर आवर्तन बेग शून्य अटे मेरुठ विश्ववृत्त आड़ को आवर्तन बेग क्रमशः वृद्धि पाए
एणु विश्ववृत्ति ठारे यार बेग सर्वाधिक तले पिलाने विश्ववृत्त कौन जदि मुझ तुमको गोटे चित्र माध्यम देखाए गोटे पृथ्वी करे ये मझ अंशटी हूँ विश्ववृत्त जोटी आम गोटे विश्ववृत्त अर्थात सी कौन कर संपूर्ण पृथ्वी को ये जो वृत्तटी संपूर्ण पृथ्वी को यह एक काल्पनिक रेखा अर्थात सतरे वास्तविक यह पृथ्वी उपर कौन वृत्त चिन्ह कौन रेखा चिन्ह न था आमर निजर सुविधापी आम विश्ववृत्त को आंकी था विश्ववृत्त रही बेग प्रति प्राय 1670 किमी अर्थात यही बेगर घंटा प्रति बेग अर्थात पृथ्वी केत बेगर बुले 1670 किमी बेगर बुले पृथ्वी अधिक बेगरे गति करुले आमको जना पड़े ना कारण पृथ्वीर आकार बहुत बड़ और तार आयतन तुलना आम एक स्थिति बा सामान्य बिंदु सदृश मूल रही पृथ्वी सब गति करुले आमको जना पड़े आम गोटे स्थान रही कारण पृथ्वी एत बड़ तुलना आम एत छोटे यार आवर्तन गति आम जापरती पृथ्वीर गति आम जापरती नहीं यहाँ पृथ्वी पृष्ठ सब निर्जीव तथा पृथ्वी पृष्ठ उपर वायुमंडल आम सहित सामान बेगर घूर था पृथ्वी पृष्ठ से दिन राति क्रमान्वय संगठित होता है प्रत्येक स्थान सूर्योदय हुए और पूर्वाह्न अपराह्न सूर्यास्त मध्यरात्रि होता है तेल प्रत्येक स्थान एमती कौन स्थान ना जो सूर्योदय हुए ना सब स्थान सूर्योदय कौट शीघ्र हमें और कौट समय अनुसार पर चित्रटे आम देखिपुर पिलाटीए कौन कर मोमबती जाली और झीटटीए से ग्लोबटी कौन से गोलक पिंड धरती जार गोटे पट दिन होता बेले अन्य पटटी रात्रि हो बुझे गोटे पटे दिन होता बेले कारण जो पटे सूर्य आलोक पड़ा से पटे दिन और जो पटे सूर्य आलोक पड़ी ना सेपटे राति हो बुझेगा ना तेज सूर्य पृथ्वी ठार प्राय 1300000 गुण बुड़ आम जानते पृथ्वी ना सूर्य पृथ्वी ठार 1300000 गुण एक विराट आलोक पिंड आम जानते सौरमंडल अन्न्य ग्रह मान भाई पृथ्वी सूर्य ठार कि दूर थी निज अक्ष चारिपटे तेने सूर्य मध्य कौन कर पाने निज अक्ष चारिपटे बुलू सी सीना क्या कौन ग्रह चारिपटे बुलूनी कि सी निज अक्ष चारिपटे बुलूँ जहाँकि अन्न ग्रह भाई कि दूर था निज अक्ष चारिपटे प्राय 24 घंटे थे पश्चिम को तेना अन्न्य ग्रह मान भाई सरी एटी कह पृथ्वी सूर्य चारिपटे बुलू 24 घंटे थे से घूर और पश्चिम पूर्व को आवर्तन करता है क्यों दिग्वि क्यों दिग्क पश्चिम पूर्व जदि आम यहाँ गोटे पूर्व यहाँ आम पश्चिम यहाँ उत्तर और यहाँ दक्षिण हवा तेज सीए कौन कर भाव पश्चिम पूर्व को घूर कौन कर पश्चिम पूर्व को सब घूर्णन करें आंटी क्लॉक वाइज कौन जमी घंटार जो पटे बुलू तार विपरीत दिगरे आंटी क्लॉक वाइज बुलू पृथ्वीर यही आवर्तन फल जेकोसी समय तार पृष्ठभाग अर्धेक अंश आलोक थिया बेले आउ अर्धेक अंश निश्चित भाव अंधार ताले गोटे तार पृथ्वीर अधा अंश आलोक थिया बेले आउ अर्धेक अंश अंधार होता है आलोकित अंधार अंश और अंधकार अंध सन्धिस्थल सृष्टि होता वृत्ताकार आलोक बल को आलोक वृत्त तो निश्चित भाव गोटे पे गोटे एम आसु गोटे जगह आम जमी ये देखिले देखियो यही जगह देखिले कौन हो गए मझी जगह एमती आसुव जो जगार कौन कर आलोकर शेष होती अंधकार मिसिकी जो जगह सृष्टि होती गोटे कौन आलोक वृत्त सृष्टि हो कौन पे सृष्टि हो मझी जगार जो भी आलोकर शेष हो अंधकार आरंभ हो जगटी को आम कौन कहीपर से रकम आलोक वृत्त बा छाया वृत्त बोली पिलाने कौन कौन आलोक वृत्त बा छाया वृत्त बोली कौन तेल एटी आम कौन गोटे सूर्य चित्र देखुं तार उत्तर मेरु देखुं ये कौन देखुं उत्तर मेरु देखुं एटी कौन दे दक्षिण मेरु देखिए यही दिगरे आम देखिपी उत्तर मेरु ये दक्षिण मेरु सरी ये हूँ दे ढल रही तेणु ये हूँ उत्तर मेरु ये दक्षिण मेरु रही बुझे विश्वरेखा देखिपुर ये मझी अंश में अर्धेक अंश में कौन कर सूर्य तापमात्रा प्रखर किरण पड़ू अंध्य अन्य अंश में पृथ्वीर अर्धेक अंश में रात्रि होपर यही आवर्तन समय पृथ्वीर प्रत्येक द्राघिमा तार उपरिस्थ प्रत्येक स्थान प्रतिदिन दुई थर आलोक वृत्त को अतिक्रम करते यही आवर्तन समय पृथ्वीर प्रत्येक द्राघिमा तार उपरिस्थ प्रत्येक स्थान
प्रतिदिन दुई थर लेखाएं आलोक वृत्त को तर जो आलोक वृत्त कौटा आम जानले से जो मझी अंशा तर जो मझी अंशा आम जानले से आलोक वृत्त से कौन कर प्रतिदिन दुईट मानते दिन हूँ सूर्योदय होने आलोक वृत्त जो मझे रहा सी दुई थर निश्चिंत कर कारण सी कौन कर गोटेपट दिन बार घंटा राति जितेबाला संपूर्ण द्राघिमारेखा पृथ्वीर अंधकार अर्धांश परित्याग कर आलोकित अर्धांश प्रवेश करे सेतेबले से ही द्राघिमा उपरे अवस्थित समस्त स्थान में सूर्योदय होता है तो जो द्राघिमा आम पढ़ते अक्षांश द्राघिमा जानते बुझेगा ना तो अक्षांश कौटा ना जोटा कि पूर्व को पश्चिम रू रही पूर्व पश्चिम होकर रही द्राघिमा हो जहाँकि उत्तर रु दक्षिण को घर गुड़िक रही जहाँ आम पूर्व अक्षांश द्राघिमा विषय आलोचना कला बेले आम कौन करुड़िक बा ये जो चित्र आम देखुं से हूँ कौन द्राघिमा तक द्राघिमा उपरे द्राघिमा से द्राघिमा उपर अवस्थित समस्त स्थान में सूर्योदय होता है यार पूर्व दिगरे घटी थाए तापर संपूर्ण द्राघिमा टी आवर्तन क्रम पूर्व दिग्वि अधिक रु अधिक अग्रगति होगा जो द्राघिमा उपस्थित सब स्थान में क्रमश बढ़ी बढ़ी चले तार प्रथम सूर्योदय पूर्व दिग्वि होता है धीरे धीरे सूर्यास्त जा पश्चिम दिगरे शेष होता है मध्यान हेले द्राघिमा सर सीधा सड़क सूर्यर सम्मुखीन होता है सूर्योदय ठार मध्यान पर्यंत समय को पूर्वाह्न बोली कहुए सूर्य उदय होवार मध्य बारटा पर्यंत समय को मध्यान पर्यंत समय को पूर्वाह्न बोली कहुए मध्यान पर ठार पृथ्वीर क्रमश अधिक रु अधिक पूर्व दिग को गति करने फल से ही स्थान उपरे कौन हुए अपराह्न संध्या मध्यरात्रि पुनः सका होता तर कहार अर्थ होेतु सूर्य निज चारिपटे निजे बुलुंट आम जमी से देखिले गोटे पिलाटी टर्च मारूँ अर्थात जितने पृथ्वीटी घूर तार जो अंश में कौन रहा सूर्य किरण पड़ा से आम कौन कह जगार जो जगार पूरा सूर्य उदयर समय अलग अलग कारण पृथ्वी जेहेतु बुलू सूर्य स्थिर अच्छा सूर्य आलोक दे चलते कि पृथ्वीर कौन कर घूर्णन चली तेणु सूर्य उदय समय अलग अलग जदि कौन समय सूर्योदय होय एक देश में एक जगार से ही समय सूर्यास्त आम देखा पाँच बुझेगा ना बा भिन्न भिन्न समय अनुसार सूर्यंर किरण देखा पाइं से आमर समय जोन टाइम जोन रही अलग अलग बुझेगा ना इंटरनेशनल टाइम जोन रही इंडिया मध्य टाइम जोन रही भारतीय जहाँ भारतीय प्रामाणिक समय बोली कह जाए से ही समय अनुसार स्थिर हुए कि सूर्योदय बा जो समय सूर्योदय कौन हम बाई जगार कौन सी निर्दिष्ट स्थान रू अनेक स्थान को मध्य समय व्यवधान केते कारण सब समय व्यवधान नदी कौन समय सूर्योदय गोटे समय होती आ गए समय सूर्योदय अलग समय होती गोटे स्थान सूर्यास्त पाँचटे आउ गोटी साढ़े पाँचटे तेणु समयर समय व्यवधान रही जेहेतु डिग्री व्यवधान कराई आम जानते एक डिग्री चारि मिनिट व्यवधान रही बुझेगा ना जदि आम भुवनेश्वर 20 डिग्री 15 मिनिट अच्छी जो 21 डिग्री थी 21 डिग्री स्थान मान जो 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 रेखा रे द्राघिमा रेखा जो 21 डिग्री थी से कौन हो आम ठू 4 मिनिट आगे से माने रही थे बुझी तले परिक्रमण समय आम पढ़ा आम पढ़ले आवर्तन विषय में पढ़िया पढ़ पृथ्वी निजर अक्षयदंड चतुर्पार्श्वें आम अक्षयदंड देखिले उपर चित्र चतुर्पार्श्वर आवर्तन करने सहित निजर उपवृत्ताकार कक्षपथ सूर्यर चतुर्पार्श्वें प्रदीक्षण करवा यही पृथ्वीर परिक्रमण गति कहुए से ही उपवृत्ताकार कक्षपथ नाभिकेन्द्र सूर्य अवस्थान अर्थात सूर्य को केन्द्रक पृथ्वी कौन कर सूर्य को केन्द्रक पृथ्वी तांको चारिपटे बुलू तले पृथ्वी कौन कर घूर्णायमान पृथ्वी निज अक्ष चार बुलवा सहित से सूर्य चारिपटे बुलू बुझे तेनाली विभिन्न समय जो समय घूरू निर्दिष्ट समय जो पटे सूर्य किरण रहा से समय अंश दिन होने अंश जो सूर्य किरण पड़ूना से अंश राति चित्र दर्शाई दिए पृथ्वी कक्षपत्री को गला संपूर्ण सूर्य को संपूर्ण भाव थे प्रदीक्षण कर पृथ्वी को प्राय 365 एक बै 4 दिन लगे अर्थात मूल रूप 365 दिन 6 घंटा समय लगे
एक वर्ष समय हिसाब करिया बेले हिसाब रो सुविधा पे आमे बळका जो रहिला 6 घंटा समय को ताकु 4 वर्ष रे मिसेई दे कि कोन करचोंदी 4 वर्ष रे थरे गोटे दिन कर दउचोंदी बुझी बुझी पिला माने 4 4 6 6 घंटा नै कि आमे 4 वर्ष जो अधि वर्ष आछि आमे 366 दिन करचोंदी सेही वर्ष को आमे अधि वर्ष बोली कहउचोंदी ताले एबे देखियो परिक्रमण गति को भलो भए पिला माने बुझो केमिति परिक्रमण गति हेउची ताले सूर्य को देखो सूर्य को आमे देखचोंदी जो समय रे आमे शीत ऋतु बा आम कौटू आरंभ करिया प्रथमे ग्रीष्म ऋतु आरंभ करिया जोटा जून 21 रे रही जून 21 दक्षिण मेरु उत्तर मेरु को पिला माने देखो दक्षिण मेरु उत्तर मेरु कौन रही मैं चित्र रे भला बे देखिबा तबे उत्तर मेरु एठी कौन अछि ग्रीष्म ऋतु अनुभूत होउची कारण सूर्य को किरण सीधा सड़क एठी कौन करछि उत्तर मेरु रे पड़ू बा आमे कोदी मेरु रे अछि उत्तर मेरु अछि तनु जून 21 समय रे आम पटरे कौन करछि ग्रीष्म ऋतु अति जोरे बा ग्रीष्म ऋतु हिदै तनु दक्षिण मेरु समय रे सेतले शीत ऋतु हिदै पिला माने जेतु सूर्यंकर एठी तीज किरण पड़थाए चित्र को देखि पर ढळे की रहिछि ना नाही ढळे की रहिछि चित्र केते ढळे की रहिछि ना 600 टी हाफ ढळे की रहिछि पृथ्वी ढळे की रहिछि ना नाही तेणु उत्तर मेरु रे कोन होइछि पिला माने देखो सूर्य को किरण रहिछि बा सेही समय रे जून 21 समय रे कोन होइछि एठी ग्रीष्म ऋतु हेतिया बेले दक्षिण मेरु रे किंतु कोन होइछि पिला माने शीत ऋतु अनुभूत हेउछि तापर पिला माने देखिबा शरद ऋतु समय रे कोन होइछि तने पिला माने शरद ऋतु समय रे देखिबा सिए कोन करथाय उत्तर मेरु एवं दक्षिण मेरु रे जेहेतु सूर्य को पाखापाखि सेमान थांती बा सूर्य को निकटतर हुंती प गति समय रे सेठी समान किरण पड़े अर्थात उत्तर मेरु रे जेति पड़े आ दक्षिण मेरु रे मध्ये सेतिकी बा अनुभूत हुए से जो आम जो ग्रीष्म बा जो तापमात्रा अनुभूत हुए तेणु ताकु सम दिवारात्र दिवस कहा जाए कौन कह जाए पिला माने सम दिवारात्र दिवस अर्थात 12 घंटा दिन आ 12 घंटा राति से होची कोडा ना 23 सेप्टेम्बर बा ए जो जून 21 रु एति पर्यंत कोन त शरद ऋतु चली जाए परवर्ती फोन देखिबा फोन दक्षिण पट रे जेतले डिसेंबर 22 हे जाए सेही समय रे पिला माने दक्षिण मेरु रे कोन हुए सूर्यंकर तीज किरण पड़े तेनु एठी कोन हिते ग्रीष्म ऋतु हिते बेले अन्य पट रे कोन हिते शीत ऋतु बा उत्तर मेरु रे शीत ऋतु अनुभूत हुए बुझी ना नहीं कारण देख चित्र रे संपूर्ण रूपे सूर्यंकर कौन हो सीधा किरण पड़ू जो बड़े सूर्य दूरे गले डिसेंबर ना जून 21 डिसेंबर 22 समय रे सूर्य दूरे गले अर्थात सुना पृथ्वीर गोटे पट दूरे गला गोटे पट पूरा संपूर्ण रूप सूर्य आड़ को रहा तेणु जो पट सूर्य आड़ को रहा से हीपट कौन है ग्रीष्म होगा जो पट सूर्य आड़ को न रहा तार अन्य दिगटी कौन है शीत ऋतु परिणत है किंतु यही शरद ऋतु समय जेहेतु ये सूर्य पाखापाखी हो गले परिक्रमण समय तेणु दिन राति से सामान अर्थ से ना बेसी शीत हम ना बेसी तुमको गरम अनुभूत हम से समय आम देखा मार्च 21 मार्च 21 सम दिवारात्र हुए से उत्तर मेरु दक्षिण मेरु सामान मानने अति शीत हुए नी कि अति गरम हुए नी बसंत ऋतु बोली कहती से मतलब मार्च 21 मन रख पे मार्च 21 सेप्टेम्बर 23 यही दुईट दिन हो सम दिवारात्र दिवस अर्थात सामने 12 घंटा दिन आउ 12 घंटा रात अर्थात यदि सूर्य उदय 6 सका 6 संध्या हे सूर्य अस्त हे संध्या 6 12 घंटा हो गला आउ जो अवशिष्ट रहा सी राति 12 घंटा अर्थात सीटी तुमको दिन पर 12 घंटा मिल कि राति कि अन्य समय मिल दिन राति तो सामान हो किंतु सूर्य उदय सूर्य अस्त जमी शीत दिन कह पाने कौन हम डेरी सूर्य उदय हम किंतु जल्दी संध्या हो अर्थात आम दिन बेसी पाँच दिन किसी कम करने लगे दिन टा जल्दी जल्दी पड़ो से अनुसार आम कम जल्दी जल्दी होती ग्रीष्म ऋतु तो अनुभव कर जल्दी सूर्योदय हो कि डेरी में सूर्योदय सूर्यास्त हो अर्थात दिन टा आमको बहुत समय मिल जाऊँगी ग्रीष्म सीमा समय आमको दिन टा जना पड़े जमी लगे जमी दिन टा जाए कि जो समय शीत ऋतु देख कब दिन सांगे सांगे पलब दिन के आरंभ हम केत शेष हम तुम जापर संध्या 5 साढ़े 5 पूरा अंधार हो जाइए बुझेना ना से सेम जिनस कि सूर्य पृथ्वीर अवस्थान सूर्य अवस्थान जो कौन करमको अनुभूत होता है।
तेबे पिला जानले केमिति ऋतु परिवर्तन हुए आम भल भाव चित्र माध्यम बुझिले बुझे ताले आम परवर्त समय कौन करवा पृथ्वीर तापमंडल विषय पढ़ा अर्थात क्यों मंडल कर्कट क्रांति अच्छी जहाँ पूर्वर आम अक्षांश द्राघिमारे देखी पृथ्वीर तापमंडल ये कर्कट क्रांति कथा पढ़ा मकर क्रांति पढ़ा केमी कौन तापर परिवर्तन हो जगार ताप बेसी से विषय आम परवर्त समय आलोचना करवा पाने आज आम परिक्रमण और ऋतु परिवर्तन केमी होता बुझिले आम केवल पढ़ी दिखती कितु आम ये चित्र साहय बुझे कौ समय दिवरत्र सामान हो परीक्षार पढ़ीपे बुझे किपर ऋतु परिवर्तन हो चित्र आसपे तुम्हें तुम भल भाव बुझे तुम परीक्षार को लिखिपर ए जो कनसेप्ट रहा ऋतु पर ए जिन तुम मुंडे रिपोरी ऋतु पर उत्तर मेरु दक्षिण मेरु को तुम्हें चित्रटी जब भल भाव लक्ष्य कर तुम्हें आ कि लिखिपर चित्रटी करने सहित परीक्षा में लिखिपर यह एक लंग क्वेश्चन एक कौन अधिक मार्क लंग क्वेश्चन तुमको परीक्षा आसो बुझे ना ना तेणु पाने ये भूगोल ये भूगोल आम द्वितीय पार्ट पढ़ा और यह शेष करवा तेनाली तुमको भल लगुच तुम्हें कौन क्या लाइक सेयार कमेंट कर दियो और सांग माने जो माने अच्छा तुम्हें दे दि जहाँफल कौन करेंगे से मैंने किसी लाभ पाइपर आज ये बहुत बहुत धन्यवाद।